तो दोस्तों आज हमने राजस्थान BSTC से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की है, जिसका आज हम पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है राजस्थान में। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देखते हैं। तो अगला सवाल है, राजस्थान के किस ज़िले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? तो आपको याद रखना है भरतपुर ज़िले से, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, विलास सिंचाई योजना संबंधित है? तो किससे संबंधित है? कोटा से। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? तो आपको याद रखना है 31 मार्च 1958 को। क्या प्रारंभ हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है। किसकी संख्या? लिप्त नहरों की। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान नहर का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है राजस्थान फीडर की समाप्ति से राजस्थान नहर का निर्माण हुआ। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? तो आपको याद रखना है वो है अतिचारण, ठीक है। अतिचारण कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? तो मध्य क्षेत्र में, ठीक है। मध्य क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में किस जिले में सिल्वीकल्चर की जाती है? तो वह है गंगा सागर, ठीक है। गंगा सागर जिले में सिल्वीकल्चर की जाती है। अगला देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो कहाँ पर है? कोटा और बारा जिलों में। क्या वन क्षेत्र सर्वाधिक? अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न प्रकार की वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो वह जिला है भरतपुर एवं अलवर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सेवन घास किस जिले से संबंधित है? सेवन घास किस जिले से या किस जिले में विस्तृत रूप में उगाई जाती है? तो वह जिला है जैसलमेर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से या निम्नांकित जिलों में से किसमें वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो वह है उदयपुर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो वह है खेजड़ी। खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्पवृक्ष कहा जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? तो आपको याद रखना है वह है रोहिड़ा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, लोक देवता गोगा जी का थान सामान्यतः किस पेड़ पर या किस पेड़ के नीचे लगाया जाता है? तो वह है पेड़ खेजड़ी। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो स्थित है जोधपुर में, ठीक है। कौन सा केंद्र? मरुस्थल वन रोपण शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, वनों की रक्षा के लिए राजस्थान की अमर शहीद महिला कौन है? तो वो महिला है अमृता देवी, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला सवाल है, मृदा के कटाव को रोकने और जलवायु की दृष्टि से महत्वपूर्ण वनों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सुरक्षित वन श्रेणी में रखा गया है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, सागवान के वृक्ष किस जिले में सकेंद्रित है? तो आपको याद रखना है उदयपुर जिले में, ठीक है। किसके वृक्ष? सागवान के। अगला देखते हैं।
तो अगला सवाल है, राजस्थान के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के मिलते हैं? तो वह है खेजड़ी के मिलते हैं। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान में वनस्पति को सर्वाधिक नुकसान किन पशु से होता है? तो वह पशु कौन से? गाय से होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है वह स्थित है कोटा में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है, गोडावण पक्षी राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? वह क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र। ठीक है, कौन सा पक्षी पाया जाता है? गोडावण। तो दोस्तों, आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वह हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।